मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ पाव भाजी। इसे हम मुंबई स्टाइल में बनाएंगे और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। एकदम मार्केट वाला स्वाद आने वाला है इसमें। तो बनाना शुरू करें। पाव भाजी बनाने के लिए मैंने एक पैन में तेल लिया है, एक बड़ा चम्मच। इसमें डाल देंगे एक छोटा चम्मच जीरा। जैसे ही जीरा चटकने लगे, इसमें डालेंगे दो मीडियम साइज के आलू बारीक कटे हुए, एक मीडियम साइज की गाजर बारीक कटी हुई, फूल गोभी बारीक कटी हुई लगभग एक कप ली है, टमाटर तीन टमाटर लिए हैं बड़े साइज के, इनको भी छोटे टुकड़ों में काट लिया है, और ये बीटरूट है लगभग आधा लिया है, छोटे टुकड़ों में काट लिया है। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। इसमें डालेंगे दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई। इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें हमने जो बीटरूट डाला है ये इसको बहुत अच्छा कलर देगा। इसमें डालेंगे एक कप पानी। इसे ढककर 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे लो टू मीडियम हीट पर, जिससे ये सब्जियां सॉफ्ट हो जाएंगी। तो 5-6 मिनट हो चुके हैं, देख लेते हैं। सब्जियां पककर तैयार हो चुकी हैं और ये सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब इन सब्जियों को पोटैटो मैशर की सहायता से हम मैश करेंगे। आप चाहें तो इन सब्जियों को कुकर में भी बना सकते हैं। कुकर में 1 या 2 सीटी दे सकते हैं और सब्जियां अच्छी तरह से गलकर तैयार हो जाती हैं। सब्जियां अच्छी तरह से मैश हो चुकी हैं, इसे हम एक साइड रख देंगे। अब दूसरे पैन में एक बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच बटर। हमने तेल में बटर इसलिए डाला है कि हमारा बटर जले ना। इसमें हम प्याज भुनेंगे। मैंने एक बड़े साइज की प्याज लिया है और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसे हम भून लेंगे। प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना है, इसे ब्राउन नहीं करना है, इसे थोड़ा सा भूनना है कि ये सॉफ्ट हो जाए और पूरी प्याज में बटरी फ्लेवर आ जाए। हमारा प्याज थोड़ा सा भुन चुका है। इस समय इसमें डालेंगे शिमला मिर्च बारीक कटी हुई। मैंने एक शिमला मिर्च ली है। इसे भून लेंगे प्याज के साथ। अब इसे हम 1 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे, जिससे हमारी शिमला मिर्च जल्दी ही सॉफ्ट हो जाएगी। 1 मिनट हो चुका है और ये देखिए शिमला मिर्च के साथ प्याज भी भुन चुकी है। इससे ज़्यादा नहीं भुनना है हमें। अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले। 1 बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 2 छोटे चम्मच पाव भाजी मसाला, कसूरी मेथी डालेंगे 1 छोटा चम्मच। कसूरी मेथी का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। इसे मिक्स कर लेंगे। इन मसालों को हम थोड़ा सा भून लेंगे ताकि मसालों का फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाए। मसाले भून चुके हैं। अब इसमें डालेंगे 1 कप पानी, स्वाद के अनुसार नमक। इसे ढककर थोड़ी देर के लिए और पका लेते हैं, जिससे सभी मसाले प्याज और शिमला मिर्च के साथ अच्छी तरह से पक जाएं। और ये देखिए मसाले अच्छी तरह से पक चुके हैं और बटर अलग हो चुका है। अब इसमें डालेंगे मैश की हुई सब्जियां। इसे मिक्स कर लेंगे। हमने सब्जियों में मटर नहीं डाली थी क्योंकि मैंने फ्रोजन मटर यूज किया है। फ्रोजन मटर पहले से थोड़ी पकी हुई होती है और ये जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, इसलिए मैंने इसको बाद में डाला है ताकि इसका कलर ना खराब हो और इसके जो विटामिन है वो भी बने रहें। इसे हम ढककर 1-2 मिनट के लिए और पकाएंगे। और ये देखिए सभी सब्जियां पककर तैयार हैं। अब हम इसे एक बार और मैश करेंगे, जिससे हमारी मटर शिमला मिर्च वो सब सब्जियों के साथ अच्छी तरह से मैश हो जाए। सब्जियां मैश हो चुकी हैं।
अभी ये बहुत गाढ़ी है इसलिए हम इसमें पानी मिलाएंगे जब तक कि भाजी ठीक ना दिखाई देने लगे। ये ना तो ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए ना बहुत पतली होनी चाहिए। मुझे अभी गाढ़ी दिख रही है तो मैं इसमें आधा कप पानी और मिला देती हूँ। इसे हम 1 से 1.5 मिनट के लिए और पका लेते हैं। और ये हमारी भाजी बनकर तैयार है और पक चुकी है अच्छी तरह से। इसके ऊपर ये देखिए कितना सारा बटर आ गया है। इस भाजी को बनाने के लिए मैंने पूरा 100 ग्राम बटर यूज़ किया है। इसमें बटर होता ही है, यदि हम बटर नहीं डालेंगे तो इसमें वो भाजी वाला फ्लेवर नहीं आएगा। अब इसमें डालेंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ और 2 बड़े चम्मच बटर और डालना है इसमें। यदि आप बटर ज़्यादा नहीं खाते तो थोड़ा डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे मुंबई स्टाइल में बना रही हूँ तो इसमें बटर बहुत होता है। वो लोग भी इसमें बटर बहुत सारा डालते हैं। बटर मिक्स हो चुका है, अब लास्ट में डालेंगे आधा कटा हुआ नींबू का रस। इसे मिक्स कर लेंगे। हमारी भाजी बनकर तैयार है, बहुत टेस्टी बनी है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, एकदम सही कंसिस्टेंसी है इसकी, ना तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी है ना पतली है, एकदम परफेक्ट बनी है। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। और ये मैंने पाव लिया है, 1 पैकेट लिया है, इसको अलग कर लेंगे। पाव को बीच में से काट लेंगे। पाव को इस तरह से काटना है कि ये बीच में से जुड़ा रहे और अलग ना हो। इसे हम तवे पर भूनेंगे बटर के साथ। मैंने तवे पर 1 से 1.5 चम्मच बटर लिया है। आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च का पाउडर और भाजी मसाला डालकर पका सकते हैं, लेकिन मुंबई वाले क्या करते हैं कि जो भाजी है वही डालते हैं इसके अंदर। भाजी का 1 चम्मच डाल दिया है मैंने और इसमें हरा धनिया डाल दिया है। इसे मिक्स कर लेंगे। इसके ऊपर हम पाव को रखकर सेक लेंगे, दोनों तरफ से सेकना है इसको। मार्केट में भी इसी तरह तैयार करते हैं पाव को। पाव सेक कर तैयार है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि हमने इसे बटर में गर्म किया है और जो भाजी का फ्लेवर है वो आ रहा है इसमें। इसे परोस लेते हैं। मैंने इसे परोसा है प्याज और नींबू के साथ और साथ में रखेंगे भाजी। इस समय भाजी में से बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुई है, एकदम परफेक्ट बनी है। और इसके ऊपर डालेंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ और 1 चम्मच बटर। जी हाँ, बटर के बिना तो इसका स्वाद ही नहीं आता। हमारी पाव भाजी बनकर तैयार है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इसी रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। आपकी पाव भाजी कैसी बनी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ।